हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बाने गॉसिप में। दिव्या अग्रवाल बनाना चाहती है शमिता और राकेश को घर का नया बॉसमैन और बॉस लेडी। आखिरकार क्यों ऐसा कर रही हैं, क्यों ऐसा सोच रही हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो दिव्या अग्रवाल है काफी ज्यादा प्लानिंग कर रही है, उनका दिमाग जो है वो काफी साफ तौर पे पता चल रहा है, उनकी गेम प्लानिंग साफ तौर पे पता चल रही है। उसी दौरान ही वो मिलन गावा से बैठी हुई बात करती हुई नजर आई। उन्होंने ये चीज बोला कि भाई इस अभी जो है नॉमिनेशन भी है और ये बॉस लेडी के लिए कैप्शन, बॉस लेडी और बॉस मैन के लिए जो है कैप्टनशिप टास्क भी होगा, तो उससे पहले जो है निशांत और तुझे प्रतीक जो है तुझे और अक्षरा को कैप्टन नहीं बनने देंगे, इससे अच्छा तू है शमिता और राकेश को सपोर्ट कर और उनको जो है वो कैप्टन बना, और अगर तू उनको कैप्टन बनाएगा वो तुझे फेवर करेंगे, ठीक है, वो आगे सेव भी कर सकते हैं तुझे और तुझे कुछ मतलब कि कुछ दे भी सकते हैं कि तू सेव हो जाएगा। तो यहां पर दिव्या अग्रवाल जो है वो एक्चुअली में मिलन और अक्षरा को सेव करने की बात कर रही है और इसीलिए शमिता और राकेश को बनाने की बात कर रही है, क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर मुस्कान और निशांत आए वो प्रतीक को बनाएंगे, अगर वो सामने आया प्रतीक निशांत को बनाएगा, तो इन दोनों में तुम मत जाओ, तुम राकेश की तरफ चले जाओ तो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि दिव्या अग्रवाल जो माइंड गेम खेल रही है वो काफी ज्यादा मजेदार है। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।